तो आगे डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। क्या था कि अगर दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे, उनको याद रखना है हमेशा। प्रॉपर्टीज़ में आगे एक सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करोगे, खाली इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही कर दोगे। इसके भी क्वेश्चंस हमने किए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जिसको यूवी लॉ बोलते हैं, लेबनीज ने दिया इसको। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो न्यूटन और लेबनीज दोनों ने एक कंबाइनली डेवलप किया था, जो आज डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं। इसको यूवी फॉर्मूला, यूवी लॉ कहते हैं। क्या होता है, यू को कुछ नहीं किया, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को कुछ नहीं किया, यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे ये यूवी लॉ होता है। इसके एग्जांपल्स देखे हमने, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर टेन एक्स। और भी यूवी लॉ के ये एग्जाम्पल्स देखे, थोड़े अलग तरह के। फिर नेक्स्ट हमने लिया यू अपॉन वी लॉ। यू अपॉन वी लॉ क्या होता है, दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो उसको यू अपॉन वी के फॉर्म में अपन लिखते हैं, तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आता है, नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाले को ऊपर लेके गए, कुछ नहीं किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इस तरह से इसको याद रखना है। टेन एक्स अपॉन एक्स का मैंने दोनों तरह से बताया, टेन एक्स अपॉन एक्स को वन अपॉन एक्स टाइम्स टेन एक्स भी ले सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, और टेन एक्स अपॉन एक्स को इस फॉर्मूले से भी, इस प्रॉपर्टी से भी जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो ये है टेन एक्स अपॉन एक्स। ये था यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी यू अपॉन वी लॉ तक का पढ़ा। यू अपॉन वी लॉ में एक कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने जैसे सॉल्व किए, तो यू अपॉन वी लॉ में कंफर्टेबल हो उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, ये प्रॉपर्टी है यू अपॉन वी लॉ के बाद में। इसको बोलते हैं, कितने चार प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये देखो क्या होती है, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। कब काम आती है ये चेन रूल प्रॉपर्टी, ये काम आती है जब हमारा कोई फंक्शन जो है उस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो। कैसे हो, क्या मतलब इस बात का, जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f और फंक्शन के अंदर कोई है मान लो और फंक्शन जिसको बोल दिया जी एक्स। ये होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। क्या होता है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y बराबर है साइन, तो है ही जी साइन हमारा प्राइमरी फंक्शन है, उस साइन के अंदर मान लो क्या हो गया, कोई लॉग एक्स आ गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू हमारा पहला फंक्शन तो है साइन एक्स, ठीक है, लेकिन उसको स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो दो फंक्शन हो गए, एक तो स्क्वायर फंक्शन और एक क्या है, साइन। तो स्क्वायर के अंदर क्या है, साइन। तो ये क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। और एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू ई का पावर x होता है नॉर्मली, लेकिन e के पावर x की जगह अपना क्या है, e की पावर x की जगह है मान लो साइन x। तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वाई इज इक्वल टू लॉग फंक्शन है और उस लॉग के अंदर कौन है, मान लो साइन एक्स आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन कैसे करें, ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाए, ठीक है। उस एग्जांपल को यहाँ लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू लॉग के अंदर कौन है, साइन एक्स है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए,
अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमें पता है साइन का कॉस होता है लॉग का वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन साइन के अंदर लॉग एक्स है, साइन के अंदर एक्स होता तो सिंपली क्या हो जाता, कॉस एक्स, लेकिन साइन के अंदर लॉग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, है ना। तो देखो ऐसे केसेस में अगर मान लो वाई बराबर एफ ऑफ जी एक्स है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बाहर कोई फंक्शन उसके अंदर क्या है फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन, क्या बोलते हैं, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, चेन बनती है, तभी उसको क्या बोलते हैं अपन, चेन रूल बोलते हैं। यहां पे क्या आएगी, चेन जैसा कुछ दिखाई देगा, देखो चेन पैटर्न दिखाई देगा। हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx, तो पहला काम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, अंदर वाले फंक्शन को x की तरह ट्रीट करोगे, क्या ट्रीट करोगे, कि अंदर वाला क्या है, x है बेचारा, उसको कुछ नहीं करोगे, वो बेचारा क्या है तो बहुत बड़ा फंक्शन मान लो, लेकिन बाहर वाले फंक्शन को जब डिफरेंशिएशन करो, जो अंदर है उसको एक्स की तरह ट्रीट करोगे, वैसा का वैसा ही जैसा इसके साथ कर एक्स होता तो क्या करते, वैसा का वैसा जीएक्स के साथ ट्रीट करोगे, जीएक्स के साथ कुछ करना है ही तो इसको बाहर ले आओगे, बाहर लाके जीएक्स का डिफरेंशिएशन करके इस पूरे में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या मतलब है इस बात का, हम बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर जो जीएक्स है उसको एज इट इज एक्स की तरह ट्रीट करो, जो आप एक्स के साथ बिहेव करते, खाली उस जीएक्स की जगह कोई एक्स होता तो आप क्या बिहेव करते, वैसा का वैसा आप इस जीएक्स के साथ ट्रीट करोगे, और जीएक्स के साथ कुछ करना है भी तो इसको क्या करोगे, बाहर लाके उसका डेरिवेटिव जो है जी डैश एक्स उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। अब एक एक करके देखो ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं पहले, तो है ना, जैसे जैसे वाई बराबर साइन लॉग एक्स दे रखा है, मान लो पहला हमारा एग्जाम्पल इसी को ही सॉल्व करते हैं कि वाई बराबर क्या दे रखा है, साइन लॉग एक्स दे रखा है, साइन लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो गया कॉस, कॉस एक्स, एक्स की जगह किसने ले ली है, लॉग ने ले ली है, तो लॉग को कैसा ट्रीट करना है, तो कॉस लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स के साथ कुछ करना ही है तो इसको बाहर लेके आओ, बाहर लेके आए और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन अपॉन एक्स, तो हमारा फुल आंसर क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से चेन रूल काम करता है कि अंदर से बाहर लाओ, फिर अगर अंदर हो रहा है तो फिर भी बाहर लाओ, तो ऐसे बाहर लाते जाओगे, तो ये क्या होता है, चेन रूल होता है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है तो उसे बाहर लाके हमें डिफरेंशिएट करना होता है, जो अंदर फंक्शन उसको एक्स की तरह ट्रीट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वाई इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स, इसमें देखो क्या है, पहले तो स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन के अंदर कौन है, साइन है ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे डीवाई अपॉन डी एक्स, मैं अंदर वाले साइन को एक्स की तरह ट्रीट करूं तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्स स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा पहले तो, और साइन एक्स को बाहर लाके उसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 sin x cos x हो गया। भाई साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करे तो क्या है, वो एक्स स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x, स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बाहर लाओगे तो कॉस एक्स हो गया, 2 sin x cos x क्या होता है, साइन 2x होता है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन 2x है। ओके समझ में आई बात। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ई का पावर साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या है, ई का पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है डीवाई अपॉन डीएक्स,
तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम ही रहता है, साइन एक्स को कैसे ट्रीट करना है, एक्स के जैसा ही, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का पावर साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स के साथ कुछ करना है भी तो उसको क्या लाओगे, बाहर लाओगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल के तौर पे वाई बराबर क्या है, लॉग के अंदर साइन एक्स है, लॉग है, फिर उसके अंदर क्या है बताओ, आप बताओ क्या होएगा इसका, बताइए, देखते हैं कौन बता पता है इसका आंसर। डीवाई अपॉन डी एक्स, लॉग साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। क्या होगा? वन अपॉन एक्स, पर उस एक्स की जगह कौन है, तो उसके एक्स की जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स लिखेंगे, और साइन एक्स का बाहर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो पूरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉट एक्स। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेन रूल लगा के इनके डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल के और कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व करेंगे, इसे फटाफट नोट कर लो। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चेन रूल है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं चेन रूल के। जैसे क्वेश्चन के तौर पे, जैसे मान लो कोई y बराबर है 3x प्लस टू, या फिर साइन 3x प्लस टू, साइन 3x प्लस टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो बाहर तो साइन है, अंदर कौन है, 3x प्लस टू है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस 3x प्लस टू, और फिर 3x प्लस टू को बाहर लाके उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x का कितना होता है 1, और 2 का कितना होता है, कॉन्स्टेंट का कितना होता है, 0 होता है ना। तो 3x प्लस टू का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कॉस 3x प्लस टू ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो y बराबर साइन 3x प्लस टू का कितना है, 3 cos 3x प्लस टू है। cos का भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू cos 10x प्लस 5। फटाफट बता दो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, यस माइनस का साइन 10x प्लस 5, और इस 10x प्लस 5 को बाहर लेके गए तो कितना बचेगा, केवल 10 ही बचेगा, 5 का तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 साइन 10x प्लस 5, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन के तौर पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका dy अपॉन dx निकालना है। तो 3x प्लस 5 को पहले x की तरह ट्रीट किया, तो उसका क्या स्क्वायर है ना, मैं स्क्वायर ना लोके और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊं इसको, मान लो ले लिया पावर मैंने 5, क्या ले लिया 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब एक तो तरीका हो कि 5 की पावर को खोला, एक्सप्रेशन बनाया, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो चेन रूल से बड़ा आसानी से हो सकता है dy अपॉन dx। तो पहले 3x प्लस 5 को क्या माना, x की तरह ट्रीट किया, तो उसका पावर क्या है 5, तो x की तरह अगर ट्रीट करें तो x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पूरा x ट्रीट करोगे ना इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा 5 और 3x प्लस
की पावर क्या हो जाएगी, 4, और इसको बाहर लेके आए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, खाली 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 टाइम्स 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 का पावर 4, ये आंसर हो गया। हो गया। और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में मान लो y इज इक्वल टू साइन की पावर 5x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन x को x की तरह ट्रीट करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो नहीं, पहले तो पावर 5 है ना, पावर का यू पावर फंक्शन है, पावर 5 है उसका डिफरेंशिएशन, तो 5 आगे आ जाएगा और साइन की पावर क्या हो जाएगा, 4x, और फिर साइन x को बाहर लाके उसका डिफरेंशिएशन कॉस x, ठीक है। तो 5 साइन की पावर 4x कॉस x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। मान लो इसका करना है y इज इक्वल टू log cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना, y इज इक्वल टू log cos x क्या होएगा बताओ, वन अपॉन x की जगह क्या आएगा, cos x, और cos x का माइनस का sin x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अपॉन में cos x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan x हो जाएगा। दिस इज आंसर, समझ में आई बात। तो इस तरह से चेन रूल अप्लाई करते हैं। एक ये और सवाल कर लो, y इज इक्वल टू, मान लो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, y इज इक्वल टू log tan x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ y इज इक्वल टू log tan x का क्या होगा, ये नोट कर लो और फिर इसको सॉल्व भी कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो, लास्ट में इसको सॉल्व कर लेना। बराबर log tan x का, वन अपॉन टेन एक्स, और ऊपर क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस, इसको वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। sec एक्स का, sec एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है ना, तो वो सिंप्लीफाई करके और इसको लिख सकते हो। तो ये है चेन रूल, आया समझ में। एक और बात देखो, चेन रूल जो है ना, जैसे मान लो मैं अगर चेन रूल में एफ ऑफ फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, अभी तो ये एग्जांपल लिया, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर भी उसके भी अंदर फंक्शन और उसके भी अंदर फंक्शन, अगर ऐसा कोई भी एग्जांपल हो तो उसमें भी क्या काम आ जाएगा, चेन रूल काम आ जाएगा। जैसे उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये है वाई बराबर एफ ऑफ जी है, जी के अंदर एच है, उसके अंदर मान लो एक्स है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसे केस में जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाले को पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, फिर इस जी को बाहर लाए और उस अंदर का जो एच एक्स है उसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, फिर एच एक्स को बाहर लाए उसको क्या कर देना है, एच डैस एक्स कर देना है, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल समझो इस बात का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y इज इक्वल टू है log के अंदर log, फिर उसके अंदर है sin x, log के अंदर log, log के अंदर फिर क्या है, sin x, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे होता है ना डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, है ना, वो एक आता ना एक ऐसे गिफ्ट होता है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, फिर वो चलता रहता है, लास्ट में कुछ नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका देखो क्या होगा, पहले वाले का तो लॉग का वन अपॉन एक्स, एक्स कौन है इस बार, लॉग साइन एक्स है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स आ जाएगा। अब इस लॉग साइन एक्स को बाहर लाके इसका डिफरेंशिएशन किया तो लॉग का क्या हो गया, वापस फिर वन अपॉन एक्स, उस एक्स की जगह कौन आ जाएगा, साइन एक्स। अब इस साइन एक्स को बाहर लाए तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा क्या, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स
इनटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, नहीं ये लॉग के अंदर है ना साइन एक्स, ठीक है, लॉग के अंदर है इसलिए नहीं। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, तो ये क्या आ गया, कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बट ये चेन रूल क्यों कहलाया, क्योंकि चेन आप कितनी भी लंबी हो उस पूरे में क्या होगा, ये अप्लाई होगा, इसलिए इसको चेन रूल बोला जाता है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी अंदर से अंदर हो तो उसमें भी अप्लाई होगा। और इसका एग्जांपल लेते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन का मान लो एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू है ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखो तीन फंक्शन इसमें भी, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर कौन है साइन, और उसके अंदर कौन है स्क्वायर, उसके अंदर कौन है स्क्वायर। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx देखो क्या आएगा, इसका इसका dy अपॉन dx आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वही रहता है, और ऊपर वाले पूरे को क्या करेंगे x की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये क्या होगा e का पावर साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन को लेके आए बाहर तो साइन का क्या हो गया कॉस, और साइन के अंदर जो उसको एक्स की तरह ट्रीट किया तो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर लेके आए उसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2x टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर टाइम्स ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम चेन रूल में क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो भी बस सिस्टमेटिकली ध्यान रखना कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है ना। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में और आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मान लो y इज इक्वल टू लॉग, लॉग के अंदर साइन और साइन के अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लॉग का तो 1 अपॉन x होता है, उस x की जगह कौन है 3x स्क्वायर प्लस 5, फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे साइन को बाहर लाके कॉस प्लस 5, फिर इस 3x स्क्वायर प्लस 5 को भी बाहर लेके आए तो 3 को कुछ नहीं किया x स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 3 कितना हो गया 6x प्लस 5 का क्या हो गया कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो गया। तो क्या आंसर आ गया इसका, फाइनली ये आंसर आ जाएगा इतना। समझ आया बात। तो कितना कितने कितना भी कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी डिफरेंशिएशन हमें करने को बोला तो हम हमने जो प्रॉपर्टीज अभी सीखी डिफरेंशिएशन की उनको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, इसे नोट कर लो। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये है चेन रूल डिफरेंशिएशन का, और चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, चाहे फंक्शन के अंदर कितने भी अंदर से अंदर फंक्शन दे रखे हो सब जगह पे अप्लाई होता है। तो ये इतना हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन है वो हमने देखी, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, पांचों को ध्यान रखना। तो इतना करने के बाद में कोई भी डिफरेंशिएशन हो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ओवरऑल सभी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है y इज इक्वल टू साइन ई का पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्या आएगा dy अपॉन dx, कॉस, ये तो आ गया कॉस, और अंदर वाला एक्स की तरह ट्रीट करना है तो उसको तो एज इट इज रखा,
फिर e की पावर 3x को बाहर निकाला तो उसका डिफरेंशिएशन क्या, वो का वही आता है वैसा के वैसा ही रहता है, e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहता है। फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या, इस 3x का भी तो डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या आएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 3 e का पावर 3x टाइम्स कॉस e का पावर 3x, ये इसका आंसर हो गया। जैसे और एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मान लो y बराबर 10 sin एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 प्लस, या फिर इतना ही ले लेते हैं। अब देखो ये 10 बाहर है और अंदर साइन के क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या आएगा, 10 को तो कुछ नहीं किया, साइन का क्या आ जाता है कॉस, और इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करना है तो इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, और इस पूरे को बाहर लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, माइनस में 5x का क्या हो जाएगा खाली 5, और 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 10 टाइम्स 2x माइनस 5 टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, चेन रूल का डिफरेंशिएशन हो गया। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू लॉग के अंदर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग के अंदर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स एक्स का माइनस साइन एक्स, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आ जाएगा, ये आंसर आ गया। समझ में आया बात, तो इस तरह से हमने हर तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन है वो करना सीख लिया, सीख लिया ना, है ना, कोई भी हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, पहले तो इस पूरे को x की तरह ट्रीट करेंगे तो x का क्या हो गया पावर 3 हो गया, तो x की पावर 3 का क्या होता है 3 एक्स स्क्वायर होता है, तो 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे को बाहर लाके उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये चेन रूल और कुछ फंक्शन के एडिशन भी हो सब्ट्रैक्शन हो तो उनके भी हम इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो इतनी जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके हम किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन हो किसी भी तरह का वो निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन अब कोई भी तुम्हें दिया जाए तो आराम से निकाल लोगे, है ना, नोट कर लो। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, चेन रूल को लेते हुए। ओके कुछ क्वेश्चंस मैं घर पे सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, उनको आप ट्राई करना, है ना। जैसे क्वेश्चन 1 है, y इज इक्वल टू साइन 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है ना, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्वेश्चन 2 है, y इज इक्वल टू e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7,
क्वेश्चन 3 है, वाई इज इक्वल टू साइन के अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस का 2x+10। क्वेश्चन 4 है, वाई इज इक्वल टू लॉग के अंदर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस में 10। क्वेश्चन 5 है, वाई इज इक्वल टू ई का पावर साइन, साइन के अंदर भी x² + 5। क्वेश्चन 6, वाई इज इक्वल टू 30 cos x² + 3x - 10। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज इक्वल टू 10x + 5 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इक्वल टू कॉस के अंदर है लॉग और लॉग के अंदर है साइन एक्स। देखो ये ध्यान रखना, वाई इज इक्वल टू कॉस, कॉस के अंदर लॉग, लॉग के अंदर क्या है, साइन एक्स है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज इक्वल टू साइन के अंदर साइन एक्स। देखो साइन के अंदर साइन एक्स है, साइन के अंदर एक्स होना चाहिए, उसकी जगह कौन है, साइन एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू साइन के अंदर ई की पावर एक्स है ना। चलो इतना ही सिंपल सा रखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, हो जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। ओके, कोई नहीं आए तो डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे मिलते हैं कल।